हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया है और मानसून स्टार्ट होते ही हर जगह मतलब आप ये देखिए कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी रहता है। ऐसे में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि कपड़े तो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। बट साड़ी 5.5 मीटर की होती है जिसको सूखने में काफी टाइम लगता है और बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है। वो वेदर में जब भी बाहर जाए, मानसून में जब भी बाहर जाती है, कोई सी भी साड़ी पहन के चल जाती है, जिससे क्या होता है, उनकी साड़ी का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। तो आज के मेरे वीडियो में यही दिखाऊंगी कि मानसून के सीजन में आपको कौन सी साड़ियों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सी साड़ियां नहीं पहननी चाहिए, जिससे आप जब भी बाहर जाएं तो आप घर भी वापस सेफ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की साड़ी की। अगर आप मानसून के मौसम में बाहर जा रही हैं, आपको अर्जेंट बाहर जाने का मन हो भी गया है, ऐसे में अगर आपको अर्जेंट बाहर जाना भी है तो जहां तक हो सके आप कॉटन की साड़ी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप मानसून में बाहर जाएंगे जो कॉटन की जो साड़ी होती है वो गीली हो जाएगी और गीली होने के बाद वो आपकी बॉडी से बिल्कुल चिपक जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, जिसको पहनकर आप चल भी नहीं पाएंगे, आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी और ये साड़ी काफी मतलब अजीब सी लगे, इस साड़ी को पहनकर आप चल नहीं पाएंगी। तो जहां तक हो सके कॉटन की साड़ी को आप अवॉइड कीजिए, कॉटन की साड़ी को आप मानसून के वेदर में बिल्कुल भी नहीं पहनी है। एंड गाइस, नेक्स्ट बात करते एंड गाइस अब बात करते हैं बनारसी सिल्क साड़ी की। मानसून में आप इस साड़ी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, यहाँ तक कि अपने वार्डरोब में ही इसे रहने दीजिए, इसे आप मत पहनिए, क्योंकि कई सिल्क साड़ियों के जो फैब्रिक और जो कलर होते हैं वो इतने कच्चे होते हैं कि जैसे ही गीले होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिल्क साड़ियों के जो कलर होते हैं जो काफी कम प्राइस की होती हैं उनके कलर हल्के होते हैं, जो गीले होते निकलने लग जाते हैं, मोस्टली डार्क कलर बिल्कुल निकलने लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप सिल्क साड़ी को पहन के बाहर जाएंगी और बरसात स्टार्ट हो गई है और अगर आपकी रेड साड़ी है, ब्लैक साड़ी है, ग्रीन साड़ी है, तो मतलब आप समझ सकते हैं आपकी साड़ी का कलर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही बुरा और चीप टाइप लगेगा। तो जहां तक हो सके आप सिल्क साड़ियों को पहनकर बरसात में बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। एंड गाइस, थर्ड बात करते हैं ऑर्गेन्जा साड़ी। आपको रेनी सीजन में ऑर्गेन्जा साड़ी को भी अवॉइड कीजिए। ऑर्गेन्जा साड़ी पहनने में बहुत लाइट वेट लगती है और बहुत अच्छी भी लगती है, बट इसे अगर आपने रेनी सीजन में पहन लिया है और रेनी सीजन में आप पहनकर बाहर चल गई हैं, एक तो ऑर्गेन्जा साड़ी को संभालना बहुत भारी पड़ता है और ऐसे में अगर ये साड़ी आपकी गीली हो गई है तो ना तो इसकी प्लेटें बनेगी और इसे आपको संभालना बहुत ही भारी हो जाएगा, आपकी प्लेटें भी निकल कर गिर जाएंगी। तो जहां तक हो सके आप ऑर्गेन्जा साड़ी को भी अवॉइड कीजिए। एंड गाइस, फोर्थ बात करते हैं साटिन साड़ी, क्योंकि साटिन की जो साड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होती है। अभी तो जापानी साटन की साड़ी आ रही है जो कि लाइट वेट है, बट साटन की साड़ी को भी आप रेनी सीजन में अवॉइड कीजिए। इस साड़ी को भी अगर आप पहनकर बाहर जाएंगी और आप गीली हो गई हैं तो इसको सूखने में कम से कम आप ये देखिए 1 घंटा लगेगा, आधे से 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इनका जो फैब्रिक होता है वो थिक होता है। उसकी जगह आप सिफोन की, जॉर्जेट की साड़ी पहनकर आप बाहर जाइए। ये साड़ियां बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है और बरसात के बंद होते ही बहुत जल्दी सूख जाती है। तो साटन की साड़ी को भी आप रेनी सीजन में अवॉइड कीजिए और इनमें भी कई डार्क कलर आते हैं जो कि बरसात में गीले होने पर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं कलर, तो इन साड़ियों को भी आप मत पहनिए। एंड गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं खादी जूट की साड़ियां। खादी की जो साड़ियां होती हैं उनके फैब्रिक को भी आप रेनी सीजन में मत पहनिए। उनके फैब्रिक में से एक तो स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी ये साड़ी जो होती है इनके थ्रेड से बनी हुई होती है, तो रेनी सीजन में हो सकता है रेनी सीजन में इनके धागे भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जहां तक हो सके आप जूट की साड़ियों को समर में पहनिए,
समर में पहन सकती हैं, विंटर में पहन सकती हैं, बट रेनी सीजन में आप मत पहनिए क्योंकि थ्रेड जो होता है वो बहुत लेट भी सूखता है, तो आपकी साड़ियों को सूखने में भी टाइम लगेगा। जहां तक हो सके ऐसी साड़ियां और ऐसे फैब्रिक के कपड़े पहनिए जो बरसात में भी सूख जाए जल्दी से। सो गाइस, ये कुछ ऐसे टिप्स और इस साड़ियां हैं जिन्हें आपको रेनी सीजन में अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।